नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में मैकलॉडगंज में हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। चहल पहल उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 12 और 1 बजे के बाद होती है। अगर हम गली में देखें तो वहां तो काफ़ी सारी शॉप्स अभी क्लोज हैं, मेन स्क्वायर की शॉप्स अभी खुल चुकी हैं। यहाँ से दलाई लामा टेम्पल पास ही है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, धर्मशाला भी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये है कि रहने के हिसाब से ये जगह उनके लिए अच्छी है जिनको शॉपिंग पसंद है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी मार्केट भी है। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं भागसू वाटरफॉल जाके। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये वाटरफॉल है, तो गाड़ी पर हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से आगे 15-20 मिनट पैदल जाएंगे। गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है। यहाँ से आगे हमें 15-20 मिनट वॉकिंग जाने, पहले भागसूनाग टेम्पल आएगा और उसके बाद वाटरफॉल। यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, ये भी उतना ही क्राउडेड है जितना मैकलॉडगंज क्राउडेड है। ये है कि कुछ लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग मैकलॉडगंज में रहना पसंद करते हैं। फासला सिर्फ 1.5 किलोमीटर का है। यहाँ पर भगवान शिव और नाग देवता का मंदिर है। चलिए अब हम यहाँ से 15 मिनट वॉक करके वाटरफॉल की ओर चलते हैं। टेंपल से वाटरफॉल तक का रास्ता 1 किलोमीटर का है, थोड़ा सा स्टीप है, इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई है, आपको चढ़ चढ़ के थोड़ा ऊपर की ओर आना होता है। अभी हम हार्डली 0.5 किलोमीटर आए हैं और सामने हमें वाटरफॉल यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा वाटरफॉल है, कुछ लोग पानी में पांव रखकर बैठे ठंडे पानी में एंजॉय कर रहे हैं। वहां पर जाके आप नहा नहीं सकते क्योंकि सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है चेतावनी, यहां नहाना मना है क्योंकि यहां पर नहाने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। 4-5 कैफ़े भी हैं यहाँ पर, आप बैठो, रिलैक्स करो, चाय कॉफ़ी पियो, अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। इनफैक्ट पानी में पांव रख के बैठेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हमने अपने लिए 1 कप चाय भी मंगा ली है। चाय पीते पीते व्यू एंजॉय करते हैं, कुछ देर रुकेंगे यहाँ पर, फिर हम मैकलॉडगंज को जाएंगे। काफी लोग मैकलॉडगंज ट्रैकिंग के ऑब्जेक्टिव से आते हैं, हमने भी ट्विन ट्रैक किया था। इस समय हम मैकलॉडगंज स्क्वायर से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर हैं। यहाँ पर ना मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, एनचांटिंग हिमालय, इनसे चल के बात करते हैं और कौन से ट्रैक्स हैं जो यहाँ से होते हैं। इस ट्रैकिंग कंपनी के ओनर मदन जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी हम ट्विन ट्रैक करके आए हैं परसों, काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। तो आप यहाँ पर 1998 से करवा रहे हैं जी। तो यहाँ और कौन कौन से ट्रैक होते हैं, क्योंकि यहाँ एक मेन पॉइंट है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर उस ऑब्जेक्टिव से आते हैं। यहाँ पर 2 ट्रैक हैं सबसे फेमस हैं, एक तो इंद्रहारा का ट्रैक है और दूसरा है आपका मनिकैनी पास का। जो इंद्रहारा का ट्रैक है वो है 4 दिन का ट्रैक, वो स्टार्ट करते हैं हम मैकलॉडगंज से। पहला दिन जो हमारा नाइट हॉल्ट होता है वो त्रिउंड में होता है, सेकेंड डे का जो होता है वो हमारा लाकागोट में होता है, और डे थर्ड जो होता है वो हमारा क्लाइंबिंग डे होता है। और क्लाइंबिंग डे के बाद हम डे थर्ड का जो नाइट हॉल्ट है वो सेम प्लेस एट इलाकागोट, और डे फोर्थ में हम वापस मैकलॉडगंज आ जाते हैं। अगर गेस्ट बिगिनर है तो उसके लिए हम इसी ट्रेल में स्नो लाइन का ट्रैक जो वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये टफ ट्रैक है इसलिए हम स्नो लाइन का, जिसमें एक दिन स्किप हो जाता है वो 2 नाइट 3 डेज का हो जाता है। दूसरी तरफ जो है अदर डायरेक्शन में वो है आपका मनिकैनी पास, वो भी 4 दिन का ट्रैक है, वो भी मैकलॉडगंज से ही स्टार्ट होता है। पहला दिन जो होता है वो आपका करेरी विलेज, दूसरा दिन जो है आपका नाइट हॉल्ट वो करेरी लेक, और डे थर्ड जो होता है वो क्लाइंबिंग डे होता है, और उसके बाद वापस आके हम करेरी लेक ही रुकते हैं, और डे फोर्थ आपका वापस करेरी विलेज, जहां से रोड हेड साइड से हम वापस मैकलॉडगंज आ जाते हैं।
तो ये 4 दिन का ट्रैक है। ये जो दोनों ट्रैक है क्या कॉस्ट करता है पर पर्सन पर डे बेसिस? देखिए हमारे पास दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक हाई एंड कस्टमर्स होता है और एक इकोनॉमी क्लास का। तो इकोनॉमी क्लास का जो हम चार्ज करते हैं वो 3000 से लेकर 3500 पर डे पर पर्सन होता है, और दूसरा जो हाई एंड कस्टमर्स है उससे हमारा जो कॉस्ट पड़ती है पर डे की वो 5000 से 6000 पर डे पर पर्सन पड़ती है। हाँ जी, अभी हम जब ट्रेन गए तो हमने वहाँ पे देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैंपिंग वहाँ बंद कर दिया, तो केवल आप डे हाइक कर सकते हो। तो आप जब इंद्रहार के लिए लेके जाते हैं टूरिस्ट को तो वो कहाँ कैंप करते हैं? हमारा कैंप जो है वो त्रिवेण से 2 किलोमीटर नीचे है, माना विलेज। अच्छा, हाँ वो प्राइवेट लैंड है, वहाँ पर हमने अपना कैंप सेटअप किया हुआ है। तो फर्स्ट नाइट हॉल्ट जैसे पहले त्रिवेण में होती थी, आजकल हम वहाँ पर अपने कैंप में करवाते हैं। ग्रेट, जब हम त्रिवेण गए ना तो एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि हम अपना डलहौजी का प्रोग्राम कर दें कैंसिल और हम चले जाएं इंद्रहार। मतलब इतना अनऑर्गेनाइज तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा लगा कि हमें पहले प्लान करना चाहिए था। आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस प्रकार से प्लान करके आइएगा। अब आपको थैंक यू, आपने समय दिया, धन्यवाद। और अब हम थोड़ा सा मैक्लोडगंज मार्केट घूमते हैं और उसके बाद हम जाएंगे नड्डी। अच्छा, नड्डी में कल हम गए थे तो हम व्यू पॉइंट देखना भूल गए थे। अच्छा, भूल गए थे मतलब अंधेरा हो गया था। तो अब यहाँ से हम नड्डी जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। आज मंडे है, लोकल मार्केट का वीकली ऑफ रहता है। जो मैक्लोडगंज स्क्वायर है वहाँ तो शॉप्स खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी मार्केट बंद है, हार्डली 10% दुकानें खुली होंगी। तो ये जो शॉप्स आप सामने देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है जब पूरी मार्केट लगी होती है। तो चलो ये भी पता लग गया कि मंडे यहाँ पर वीकली ऑफ रहता है। वॉक करते हुए अभी हम एक हैंडीक्राफ्ट शॉप में आए हैं, अच्छी कलेक्शन है आपके पास यहाँ पर। तो ये जो केटल डिज़ाइंस हैं ये मेरे को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, इसका क्या प्राइस है? ये रेड कलर डिज़ाइन सर वो 700 की आएगी, 700 रुपये जी। वो फायर वाली होगी, वो फायर वाली मतलब उसको आप गैस के ऊपर ही करनी है। अच्छा, गैस के ऊपर। और ये भी मेरे को क्रॉकरी सेट अच्छा लग रहा है, 6 कप, 6 है ना, कप एंड केटल, एंड केटल। इसका क्या प्राइस है? वो वाली 2000 की आ जाएगी। 2000 से 2000 है। मैक्लोडगंज में रहने का एक एडवांटेज तो ये है, यहाँ पर मार्केट है, हाइट है, मौसम अच्छा है। डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पर पार्किंग हर होटल के पास नहीं है। तो कभी भी आप आओगे तो पहले आप चेक करना पार्किंग स्पेस है नहीं है। हम तो रुके थे क्लब हाउस जो हिमाचल टूरिज्म का है, वहाँ पर तो पार्किंग स्पेस थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने से पहले चेक करना। हम मैक्लोडगंज से चले और 6 किलोमीटर का सफ़र करके नड्डी पहुंच चुके हैं। आपको मैं अपने पिछले 3 दिन का एनालिसिस बताता हूं इस पूरी लोकेशन के बारे में कि अगर आप यहां पर पहली बार आ रहे हैं तो कहां रुकना चाहिए और क्यों वहां रुकना चाहिए। जैसे आप हिल से धर्मशाला इस रीजन में एंटर करोगे तो सबसे पहले तो धर्मशाला टाउन आएगा। वहां रुकने में तो मेरे को कोई मेरिट नहीं दिखता, अनलेस आपके पास क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप है तो उनकी प्रॉपर्टी वहीं पर है। वहाँ पर आपको ना एलिवेशन नहीं मिलती, मौसम नहीं मिलता जो आपको मैक्लोडगंज में मिलता है। तो धर्मशाला को रूल आउट कर दो, और वैसे भी धर्मशाला में केवल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। 10 किलोमीटर ऊपर आइए आप, मैक्लोडगंज सबसे पहले आता है। वहाँ से 3 रास्ते कटते हैं, एक भागसू को, एक धर्मकोट को और एक नड्डू को। भागसू आज हम गए थे, मेरे को जगह रहने के हिसाब से उतनी पसंद नहीं आई। एडवांटेज भागसू में ये है कि वहाँ पर रूम टैरिफ्स मैक्लोडगंज के मुकाबले में 20% कम है, 1.5 किलोमीटर का फासला है। अगर आपको धर्मकोट रुकेंगे जो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मैक्लोडगंज से, तो वहाँ आपको एडवांटेज मिलेगा शांति, बहुत शांत एनवायरनमेंट है। धर्मकोट में अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं, रहने की फैसिलिटी भी है, तो धर्मकोट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि मैक्लोडगंज से धर्मकोट की सिंगल रोड है, तो कभी भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रहनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं नड्डी की। इस समय हम नड्डी में हैं, नड्डी जगह भी अच्छी है, ये जगह सनसेट के लिए मशहूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सनसेट से ज़्यादा जो ये जगह आपको पसंद आनी चाहिए उसका रीज़न, आप यहाँ पर बैठ के धौलाधार रेंज देख सकते हो।
इस समय हम नड्डी मेन रोड से 100 मीटर नीचे की ओर आए हैं, क्योंकि जिस होमस्टे को हम देखना चाहते हैं वो यहाँ से 50 मीटर पे ही है। मैं से एक रॉक पे बैठा हूँ, तो आप इमेजिन करो सुबह सोकर उठो और धौला द रेंज आपके सामने कैसा लगेगा। दूसरी बात यह कि नड्डी में भी शांत एनवायरनमेंट है। अगर आप मेन रोड से थोड़ा हट के रुकेंगे 100-200 मीटर, यहाँ पर होटल्स के पास पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अच्छे आपको मैकलॉडगंज और धर्मकोट में मिलेंगे। तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया, बाकी अपनी चॉइस और पसंद के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। आराम से रिलैक्स करो, नाइस प्लेस। अब हम यहाँ से 50 मीटर आगे चलते हैं, होम स्टे ओनर को मिलते हैं, हम भी होम स्टे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम होम स्टे के बाहर पहुंच चुके हैं, होम स्टे ओनर हमारे साथ हैं। भाभी नमस्कार। कल रात को जब हम आपको मिले थे तब तो होम स्टे भी नहीं देख पाए, प्लस सामने का पहाड़ भी दिख नहीं दिख रहे थे। तो इस जगह का जैसे मैंने आपको बताया मेन अट्रैक्शन जो है वो धौला द रेंज है। तो एक बार हम आपका होम स्टे देखेंगे। और दूसरी चीज, कल मैंने आपसे जो बात की थी कांगड़ी धाम के बारे में, आपने कुछ तैयार किया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए जी, देख के लग रहा है नई कंस्ट्रक्शन है, अभी हाल में बनाया आपने। तो कितने रूम्स हैं आपके पास? चार। तो इसका चार्ज कितना है? 1000-1200। 1000-1200 रुपए। खाना अलग से? खाना अलग से। नहीं सही है, मैं पिछले 2-3 दिन से सोच रहा था कि कांगड़ी धाम कहाँ पे खाएंगे, लेकिन अच्छा हो गया आपने हमारे लिए तैयार कर दी। तो मैं बताता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या तैयार किया गया है। ये चने की दाल है, इसको बाहर से देखने से लग रहा है इसमें सौंफ भी है। बढ़िया। ये है जी कढ़ी, तो इसमें गोभी है? हाँ जी, गोभी आलू। गोभी और आलू, बढ़िया। इसको आप काले चने का खट्टा बोलते हो। अखरोट को आपने बताया इसको जला के डालते हैं जिससे रंग ऐसा आया। ओ, माँ की दाल साथ में राजमा, वाह जबरदस्त। मटर पनीर, आज तो ऐसा लग रहा है फुल पार्टी होगी हमारी यहाँ पर। आपने वैसे मेरा बड़ा अच्छा किया, हम लोग के लिए इतना कुछ तैयार कर दिया। इसमें क्या है? चावल, वाह। और इसमें मीठे चावल, वाह वाह वाह। तो कांगड़ी धाम बोलेंगे तो मीठे चावल रहते हैं। हमने सुना शादी में सबसे पहले मीठा देते हैं फिर बाकी सब्जी खाना शुरू करते हैं। कई लोग पहले देते हैं, कई लास्ट में देते हैं। अच्छा, कुछ खाना खाके मतलब मीठा। अच्छा ठीक है जी। लो जी, शुरुआत कर रहे हैं हम चावल और चने की दाल। हमारे घर में अक्सर चने की दाल बनती है, तो हमें जो समझ में आ रहा है कि इस चने की दाल में क्या फर्क है, गरम मसाले। तो इसमें आपने दालचीनी लौंग भी डाला है, हाँ उसके फ्लेवर आ रहा है। तो इसमें आप खट्टे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इमली? नहीं, अमचूर। तो अगर हम बोलेंगे हमने खट्टा खाया तो समझ में आ जाएगा कि चने दाल खाया, या बोलना पड़ेगा चने दाल का खट्टा खाया? चने का खट्टा। अच्छा, खट्टा एक ही होता है चने का। इस तरह का फ्लेवर ना मैं पहली बार एंजॉय करूं, मैंने आज से पहले कभी चने का खट्टा तो नहीं खाया। और ये खटास हल्की हल्की है और बहुत डिफरेंट किस्म का टेस्ट है, ऐसे चने तो हमने कभी नहीं खाए। अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरे को काले चने का खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया। पिछले कुछ दिनों में जब से मैं हिमाचल में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, मैं ये देख रहा हूँ कि राजमा का स्वाद यहाँ का अलग है। राजमा का स्वाद भी अलग है और राजमा बनाने का तरीके में भी डिफरेंस है, जिसमें एक बड़ा रीज़न गर्म मसाले हैं। मैं काफ़ी लोगों से पिछले 1-2 दिन में बात करी कि मेरे को कांगड़ी धाम खानी है, तो हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, कोई ढाबा नहीं मिल रहा था मैकलॉडगंज में जो हमको बना के दे। तो अच्छा हो गया कल रात को हमने आपसे बात करी और आपने हमारे लिए प्रॉपर कांगड़ी धाम जैसे सब कुछ तैयार कर दिया। सिर्फ अब एक ही कमी रह गई है, ज़मीन पर बैठ के खाना और पत्तल में, बाकी सब वैसा ही है।
मैं वाकई में बड़ा खुश हूँ कि आपने हमारे लिए इतना कुछ तैयार कर दिया। शायद ये मौका हमें कहीं और आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ये मौका तो सिर्फ शादियों में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट वाले तो बनाते ही नहीं है। काफी स्वाद है, सौंफ, गरी, किशमिश, मीठा थोई। एक चीज बताइए, अगर कोई आपके पास नहीं रुका यहाँ पे, नड्डी में सनसेट देखने आए या वैसे आए हुए हैं, और आपको ऐसा बोलें कि इस तरह का हमें कांगड़ी धाम तैयार कर दो और थोड़ा दो चार घंटे पहले बता दें, तो बना सकते हैं आप? हाँ जी, बना सकते हैं। हम इसको फूड को फिनिश करते हैं, फिर आपको बाय बाय करते हैं, और आपसे हम थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। और वैसे हमारा प्रोग्राम है, अब हम जाने वाले डलहौजी, दोपहर के 3 बज चुके हैं, हमें यहाँ से 3:30 तक या 3:15 तक निकलना चाहिए, क्योंकि डलहौजी यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लंच फिनिश करके हम काफ़ी देर तक यहाँ बैल्कनी में बैठे रहे, बादलों का नज़ारा लिया, पहाड़ देखते रहे, आधा घंटा और निकल गया। इस समय शाम के 4 बज चुके हैं, अब हम यहाँ से डलहौजी कर निकल रहे हैं। मैक्लॉडगंज से लगभग 65 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे नूरपुर। यहाँ पे नूरपुर फोर्ट है। 6:10 पे जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, आप जल्दी से अंदर चले जाइए, क्योंकि 6:30 किले का मेन गेट क्लोज कर दिया जाएगा। अंदर जाके जो मैंने देखा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप बड़ा सा ग्राउंड देखेंगे। किले की जो 4 दीवारी है वो तो फिर भी 70-80% इंटैक्ट है, लेकिन जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। कहते हैं महमूद गजनी का जब यहाँ पे अटैक हुआ तो किले का जो अंदर का स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 11th century में ये किला बनाया गया। पठानकोट के राजा थे राजा बासु, उन्होंने इस किले का निर्माण किया। जैसे आप किले के अंदर जाएंगे आप देखेंगे एक टेम्पल है, वहाँ पर हमने भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई के दर्शन करे। आज से पहले हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं कि एक ही मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई के हम दर्शन कर सकें। यहाँ के राजा चित्तौड़गढ़ गए थे आज से 400 साल पहले, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई की मूर्ति लाए थे, साथ में वो मौलश्री का पेड़ भी लाए थे। समय के साथ वो पेड़ सर्वाइव नहीं कर सका और वो टूट गया। नूर जहाँ यहाँ पर 16th century के समय आई और उनको ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ पे रहना चाहा। उसके बाद नहीं रही, यहाँ से चली गई, लेकिन इस जगह का जो पुराना नाम था वो धमड़ी था। तो नूर जहाँ के यहाँ से जाने के बाद इस जगह का नाम नूरपुर पड़ गया, जो नूर जहाँ के नाम पे है। अब 6:40 का टाइम हो चुका है, हम यहाँ से डलहौजी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर बाहर हम हाईवे तक जाएंगे, फिर हमारा मैक्लॉडगंज से जो रास्ता हमने लिया था डलहौजी को वो ज्वाइन कर लेंगे। तो 2-2.25 घंटे में हम डलहौजी पहुँच जाएंगे। आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। फाइनली रात को 9:30 हम डलहौजी पहुंच गए। बस स्टैंड के सामने ही ग्रैंड व्यू होटल है, अच्छी एकोमोडेशन है, रूम साइज बड़ा है। सुबह मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा जो आप अगले एपिसोड में देखोगे। वैसे कल का प्लान ये है कि आराम से सुबह उठेंगे, थोड़ा सा यहाँ लोकल घूमेंगे, उसके बाद हम भरमौर जाएंगे। कल हम वहाँ रुकना चाहते हैं, जो आप अगले एपिसोड में देखोगे। आज का बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज की जर्नी इंजॉय की होगी, हमने भी खूब इंजॉय किया। पिछले 2-3 दिन से दिन लंबा हो रहा है, लेकिन थकान हो रही है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो अभी के लिए बाय बाय, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।